यूपी के माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों ने अपनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ कराई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुपचुप तरीके से स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर जैसी गाड़ियों को मेरठ और पंजाब से बुलेट प्रूफ कराया गया है। बुलेट प्रूफ कराई गई गाड़ियां मुख्तार के गुर्गों ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदी हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के करीबी प्रदीप सिंह के पास से ऐसी गाड़ियां बरामद होने के बाद बुलेट प्रूफ का खुलासा हुआ है। सुरेंद्र कालिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस पड़ताल में एक ऐसी ही गाड़ी सुरेंद्र कालिया के दोस्त की निकली थी, जिसमें इस गाड़ी को बुलेट प्रूफ करवाने का कोई भी दस्तावेज कालिया पुलिस को नहीं दे सका था। वहीं मुख्तार के करीबी प्रदीप सिंह के पास से पुलिस को फॉर्चुनर गाड़ी की चाबी मिली थी। इस गाड़ी के भी दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले। खबरों की माने तो मुख्तार अंसारी के गिरोह की धरपकड़ के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली थीं, जो कि मुख्तार के करीबी प्रदीप सिंह की बताई जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से माफिया द्वारा गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई गई हैं। आपको बता दें कि एक गाड़ी को बुलेट प्रूफ कराने का खर्च करीबन 15 से 20 लाख रुपए का आता है। न्यूज़ डेस्क।